हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज बाकी रह गई थी जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ही फर्स्ट पार्ट में जो है पूरा डिटेल में उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे सर्च मार के देख सकते हैं। सो, हम इसमें सिर्फ आज वाले वीडियो में सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। सो, चलो वीडियो देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है, वे एक घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर वन आवर। दे हैव, इसकी दे के साथ क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन, और उसके बाद इसकी मेन वर्ब रीडिंग, और क्या पढ़ रहे हैं वो लोग, इंग्लिश। और क्योंकि यहाँ पर एक घंटा दिया है जो कि टाइम निश्चित नहीं है कि वो कौन सा घंटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा है, फॉर वन आवर। वे एक घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर निगेटिव का सेंटेंस बनता है तो कैसे बनता है, जैसे दे हैव नॉट, देखो दे हैव नॉट, नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, यानी कि हैव और बीन के बीच में आएगा, रीडिंग इंग्लिश फॉर वन आवर। ठीक है, अगर सेंटेंस में हम इसी को जो है क्या वाले स्ट्रक्चर में कर दें तो क्या वे एक घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या वाले सेंटेंस में क्या होता है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसे ही आगे कर देते हैं, यानी कि हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो हैव बीन में से सिर्फ हम हैव को ही आगे करेंगे, बीन अपने प्लेस पर ही रहेगा। अगर हम इसके बाद अगर क्या वाले सेंटेंस को ही निगेटिव में बना दें, क्या वे एक घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही इसमें भी हम आगे करेंगे, Have they not been reading English for one hour? और अगर हम फिर interrogative second यानी कि WH family वाला question वाला बनाए तो वे एक घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी WH family वाला question word होता है तो उसमें क्या करते हैं, क्यों, यानी कि जो पहला जो word रहता है question word उसी को आगे लिखते हैं, why have, उसके बाद उसकी helping verb, फिर subject रहता है they, फिर नॉट लगेगा, नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर वन आवर। सो चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं सॉल्व। मोहन 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें क्या है, 5 बजे से, देखो यहाँ पर से लगा है ना, तो ये एक टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि वो इतने बजे से इस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, मोहन के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज बीन, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो एक टाइम क्या है, 5 बजे, एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे कि वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम सिंस, अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तो क्या लगता, फॉर। तो रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट बनेगा, मोहन 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तब क्या लिखेंगे, पाँच बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है।
तो इसमें नहीं है, निगेटिव वाला सेंटेंस है। तो मोहन हैज, देखो नॉट जो है इनके बीच में ही लगेगा, मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, निश्चित एग्जैक्ट टाइम है तो यहाँ पे लगेगा सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट अगर हम बना लें कि क्या मोहन 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या मोहन 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, इंट्रोगेटिव है, वो भी क्या वाला, तो सिर्फ इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसमें से सिर्फ हैज को ही आगे कर देंगे। हैज मोहन, इसके बाद बीन लिखेंगे, बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। ठीक है, अगर एक और सेंटेंस बना लें कि मोहन 5 बजे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, अब यहाँ पर देखो क्यों और नहीं दोनों है ना सेंटेंस में, तो पहले क्यों को लिखेंगे वाई, वाई के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज मोहन लिख देंगे, फिर आएगा नॉट, क्योंकि नहीं भी है इसमें इसलिए नॉट बीन, वाई हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। ओके, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है तो हमने यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क में एक्सरसाइजें रखी है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर ये मेरी वीडियो जरा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।